ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेस छवि मुकेश ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। आज हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लेके आए हैं। एक बच्चे का डिमांड था कि सर इसको प्रूव करके दिखाएं, तो टुडे वी आर हियर टू प्रूव द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज डैट हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक ड्रॉ किया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेट ए बी सी डी, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। व्हाट हैपेंड, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्र क्वाड्र लेटरल, ठीक है। हमने ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ सम, है ना, वी विल ड्रॉ अ डायगोनल, है ना। कंस्ट्रक्शन यू राइट देयर, कंस्ट्रक्शन व्हाट यू विल राइट इन दिस कंस्ट्रक्शन, ड्रॉन डायगोनल बी डी, ठीक है। तो बी डी इज अ डायगोनल विच आई हैव ड्रॉन हियर। अब देखिए हमने बी डी एक डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, तो आप देखिए डायगोनल जब भी ड्रॉ किया देन व्हाट हैपेंड, सो क्वाड्रिलेटरल डिवाइडेड इन टू टू ट्राइंगल्स। अब देखिए जब भी हम बी डी को डायगोनल हमने ड्रॉ किया, तो अब क्या हो गया, ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था वो अब दो ट्राइंगल ए बी डी और बी सी डी में कन्वर्ट हो गया। अब दो ट्राइंगल बन गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो हमें अब प्रूव करना है क्या करना है। अब आप जानते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी, यानी ये एंगल, ठीक है, एंगल ए ये एंगल प्लस एंगल ए डी बी यानी ये एंगल प्लस एंगल ए बी डी यानी ये एंगल। तो हम देखिए ए बी से एक ट्राइंगल हो गया, तो उसका तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप जानते हो कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, अगर यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हमने लिख दिया। सिमिलरली अब इसको हम मान लीजिए कि इक्वेशन वन मान, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन वन, ठीक है। अगेन अब देखिए फिर से लिखेंगे अगेन, अब इसमें देखिए एंगल सी प्लस एंगल, अब देखो सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी तीन एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये भी हो गया 180 डिग्री। हम इसको एंगल टू मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन टू मैंने माना, इसका भी यही सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एड क्या करेंगे, इक्वेशन वन प्लस टू। अब इक्वेशन वन और टू को हम क्या करेंगे, एड कर देंगे। तो जब एड करेंगे तो क्या होगा, हम कैसे ऐड करेंगे, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी, है ना, उसके बाद हो जाएगा प्लस एंगल सी, ये वाली प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। नहीं, हमने इस सब को एक जगह लिख दिया, फिर उसको दूसरे
इक्वेशन को भी हमने जोड़ दिया और यहाँ 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों का वैल्यू हमने लिख दिया 360 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसका आगे का और से देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए एंगल ए को रहने देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे गौर से, तो ए डी भी हमने लिख लिया, इसकी जब 180 डिग्री है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिख दिया हमने एंगल ए, है ना। अब एक दिखिए एंगल ए डी बी और एंगल सी डी बी दोनों को अगर मिला ले तो क्या बन जाएगा एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी प्लस एंगल, देखो यहाँ सी डी बी एंगल सी डी बी, इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं एक साथ। फिर एंगल यहाँ देखो एंगल ए बी डी यानी ए बी डी यानी ये एंगल और एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी डी, अगर इस एंगल दोनों को मिला देंगे तो एंगल बी हो जाएगा प्लस एंगल क्या है यहाँ पे हमारा बच गया एंगल सी, बराबर क्या होगा 180 गुना करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। अब हमारे पास क्या हुआ एंगल ए प्लस ए डी बी और सी डी बी, ए डी बी और सी डी बी दोनों बराबर क्या हुआ एंगल डी हुआ कि नहीं, प्लस एंगल ए डी ए बी डी, ए बी डी और सी बी डी दोनों मिला देंगे तो क्या होगा एंगल बी हो गया और प्लस सी यानी बराबर कितना हुआ 360 डिग्री। तो अब हमको क्या आ गया चारों एंगल्स का सम कितना है 360 आ गया, दैट इज ओनली वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव कर दिया ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, यहाँ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या लिख सकते हैं आप, सम ऑफ एंगल्स लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है।